हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ एक और नौकरी का नोटिफिकेशन। वो है नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2022। इसके अंदर 177 डेवलपमेंट असिस्टेंट वैकेंसी है। ये इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो नाबार्ड है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसके अंदर पोस्ट है 177। इसका जो पहला पोस्ट है, पहला पोस्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट। इसका नंबर ऑफ पोस्ट है 173। अनरिजर्व के लिए 80, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 46 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 15। इसका एज लिमिट चाहिए 21 to 35 ईयर्स। एज ऑन 1/9/2022, 1/9/2022 तक उसका एज 21 to 35 ईयर्स होना चाहिए। द अपर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स के तहत उस उन लोगों का अपर रिलैक्सेशन होगा। इसके एडुकेशन और क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। या बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीए पास, ये कोई भी स्ट्रीम में हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या कुछ भी, कोई भी स्ट्रीम में हो, लेकिन बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। साथ में 50% मार्क होना चाहिए। दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। हिंदी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 4, अनरिजर्व के लिए 3, एसटी के लिए 1। उसका एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स। एज 1/9/2022, 1/9/2022 तक उसका एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स होना चाहिए। द अपर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स के तहत उन लोगों का अपर रिलैक्सेशन होगा। इसका एडुकेशन और क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। यहाँ पे कहा गया है बैचलर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम कोई भी से हो, और अगर नहीं है तो इंग्लिश और हिंदी एक सब्जेक्ट भी होना, कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ 50% मार्क भी होना चाहिए। और इसका और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है बैचलर डिग्री विथ हिंदी। हिंदी से बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड इंग्लिश, इंग्लिश से भी एज द मेन सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क होना चाहिए। इसका एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स। फॉर पीडब्ल्यूबीडी यहाँ पे दिया गया है जनरल 13 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी, ओबीसी 15 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी, एससी एसटी। और एप्लीकेशन फीस ऑफ नाबार्ड रिक्रूटमेंट का जो एप्लीकेशन फीस है वो है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए ओनली 50 रुपीज लगेगा। अदर्स के लिए 450 रुपीज़ लगेगा, और स्टाफ के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। यानी कि इस डिपार्टमेंट से जो लोग पहले से काम करते चले आ रहा है उन लोगों के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर नाबार्ड रिक्रूटमेंट, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट वेब लिंक में जाना होगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है इस पर आप लोग क्लिक करना होगा। इसके बाद एक वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड पोस्ट, आपका जो पोस्ट चाहिए वो पोस्ट में सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फिल पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स, आपका जो पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स है वो भी फिल करना होगा। और उसके बाद आप लोग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग अपलोड करना होगा। मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, उसके बाद आप लोग पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फीस। इसके बाद आप लोग फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
एट द एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सब शेष होने के बाद आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर देना होगा। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्टिंग शुरू हो गया है, और इसका लास्ट डेट होगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10th अक्टूबर तक आप लोगों के ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इम्पोर्टेंट वेब लिंक ऑफ नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप लोग इस लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं पूरे डिटेल्स, और अगर सब चेक कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर करना और कमेंट भी, और अगर आप लोग नया है तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।